नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुरेश चंद्रा सर, आपका मैं चैनल स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद निशा जी। आज आपसे पूछना चाहेंगे, ये तो गौतम बुद्ध की कई बातें हैं जो जीवन में मान्य हो गए, क्या उनके कोई ऐसा सिद्धांत है जो बहुजनों के लिए नित्यांत आवश्यक है? निशा जी, कई बातें नहीं, तथागत गौतम बुद्धा की तो सारी कही हुई बातें ही मानव जीवन के कल्याण के लिए मानने योग्य हैं, उन्हीं से भला हो सकता है। और जो कोई विशेष उसके लिए बात कही, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। और मैं तो शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आपका कि कम से कम आज में जो तथागत गौतम बुद्धा का सिद्धांत था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए अगर कोई सिद्धांत आज के समय में, जिसे बड़ी विचित्र स्थिति से हम देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसमें ज़रूरी है। हाँ निशा जी, है। उसके लिए मुझे तथागत गौतम बुद्धा के ज़िंदगी में जाना होगा। और उनकी ज़िंदगी में एक प्रसंग आता है, और उस प्रसंग को मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ कि अभी जब पिछली साल जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का निधन हुआ था, तो उनके निधन पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये कहा था कि वाजपेयी साहब अजात शत्रु थे, लेकिन भारत की जनता, साधारण जनता अजात शत्रु के विषय में नहीं जानती कि अजात शत्रु कौन था, अजात शत्रु के लक्षण क्या थे, चरित्र क्या था जिससे तुलना वाजपेयी साहब की जा रही है। तो उसमें जब मैं निशा जी तथागत की ज़िंदगी में जाता हूँ, तो प्रसंग आता है कि मगध राज पर राजा अजात शत्रु का राज्य था। पड़ोस में लिच्छवी प्रांत भी होता है उस दौरान का, जो आपने नाम सुना हो, लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है ट्रेनें, तो उसी प्रांत के नाम पर ही लिच्छवी एक्सप्रेस का नाम रखा गया है। और वहां पर बज्जी लोगों का राज्य था। तो अजात शत्रु ने अनेकों बार हमला करके मानसिकता ऐसी बना करके, मैं इस लिच्छवी प्रांत को जीतूं, बज्जियों पर राज कायम करूं, प्लानिंग की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। जब लिच्छवी प्रांत को नहीं जीत पाए, बज्जियों पर राज कायम नहीं कर पाए, तो उन्होंने, अजात शत्रु ने अपना जो महासचिव था वर्षाकार, महामंत्री, उसने अपने महामंत्री वर्षाकार जो ब्राह्मण थे, उनको तथागत गौतम बुद्ध के पास भेजा। मैं आज तथागत गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ, उस दौरान उनको सिद्धार्थ गौतम कहते थे। तो अपने महामंत्री से कहा अजात शत्रु ने कि आप सिद्धार्थ गौतम के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि इन बज्जियों पर राज्य किस तरीके से कायम किया जा सकता है। वर्षाकार ब्राह्मण, अजात शत्रु का महामंत्री, जब तथागत के पास पहुंचता है, तो तथागत धम्म देशना का काम कर रहे थे, धम्म प्रवचन कर रहे थे। उसने सुना, और जब धम्म देशना का कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो वो वर्षाकार ब्राह्मण खड़ा हुआ, अपने परिचय दिया कि मैं महाराजा अजात शत्रु का महामंत्री हूँ, और उन्होंने मुझे इस बात को जानने के लिए भेजा है कि मैं आपसे इस बात को जानूं कि इन बज्जियों पर किस तरीके से राज्य कायम किया जा सकता है, किस तरीके से इस लिच्छवी प्रदेश को जीता जा सकता है। तब तथागत गौतम बुद्ध समझ गए। उन्होंने जब समझा, तो उन्होंने सीधा वर्षाकार ब्राह्मण से बात नहीं की, जो उनके परम शिष्य थे, जो सबसे प्रिय शिष्य थे, आनंद से उन्होंने सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आनंद, बज्जी लोग अपने राज्य में समय समय पर जो आवश्यक मीटिंग होती रहती थी, तो क्या आज भी वो लोग उन मीटिंगों को करते हैं?
तो निशा जी आनंद जी ने जवाब दिया कि हाँ भगवान यथावत जारी है। तब दूसरा सवाल किया उन्होंने कि आनंद एक बात तो बताओ कि वो मीटिंगों में लोकतांत्रिक तरीके से जनता के कल्याण के लिए भले के लिए फैसला लिया करते थे तो आज कैसा करते हैं वो। तो आनंद ने कहा भगवान पहले की तरह है। अच्छा तो एक जानकारी और दो। उन्होंने कहा कि आनंद जो बज्जी लोग हैं उनमें एक खासियत मैंने देखी कि वो लोग अपने महिला बच्चे और बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं और जब वो सम्मान करते हैं तो जब कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो आपस में मिलजुल करके उस दिक्कत का मुकाबला करते हैं। आज कैसा व्यवहार है। तब आनंद ने कहा कि भगवान बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो आनंद एक और जानकारी दो कि वो लोग जो उनके बुजुर्ग हैं उम्र में बड़े हैं ऐसे बुजुर्गों से उनके अनुभव से वो चर्चा करके उनसे चर्चा करके उनके अनुभव का लाभ लेकर के अपने राज्य की सरकार चलाते हैं वहाँ का जनता का भला करते हैं तो आज क्या वो इस प्रचलन में हैं। तो आनंद ने कहा हाँ भगवान यथावत जारी है। फिर उन्होंने एक सवाल कहा कि अच्छा चलेगा मुझे एक जानकारी और दीजिएगा आनंद कि बज्जी लोग अपने जो संत महापुरुष हुए हैं उनके पूजनीय पूजा योग्य जो समाधि स्थल हैं वहाँ पर जाते हैं अपने संत महापुरुषों को याद करते हैं उनको सम्मान देते हैं नमन करते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं और उस आधार पर चल करके वो लोग फिर अपने न्याय प्रणाली में लग जाते हैं और यदि उनके पूजा स्थल कहीं छीण शीर्ण हो जाते हैं तो वो उनको जीर्णोद्धार कराते हैं उनको पुनः निर्माण कराते हैं। तो क्या आज भी वो लोग अपने संत महापुरुषों को पूजनीय बुजुर्गों जो सम्मानित रहे हैं उनको इस तरह का सम्मान देते हैं। तो आनंद ने कहा हाँ भगवान कोई बदलाव नहीं है इसी तरह का उनका व्यवहार है। वो पूजा स्थलों पर जाते हैं और अपने संत महापुरुषों को याद करते हैं उनके कई हुई बातों को याद करते हैं उसी आधार को मान करके अपने फैसलों में समाहित करके वो लोक कल्याण के लिए अपना फैसला करते हैं। तब तथागत गौतम बुद्ध ने जब ये बात सुनी फिर उन्होंने वर्षाकार ब्राह्मण जो महामंत्री था अजातशत्रु का फिर उसको सीधा जवाब नहीं दिया और उन्होंने आनंद से ही कहा कि जो लोग अपने बुजुर्गों के तजुर्बे का लाभ लेते हैं अपनी महिलाओं बच्चों का मान सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का कभी अहित हो नहीं सकता उनको कोई हरा नहीं सकता उन पर कोई जीत हासिल कर नहीं सकता। तो ठीक आज के समय में निशा जी जो आपने कहा कि आज के समय के लिए भी क्या कोई उनकी कहे हुए सिद्धांत दिया हुआ सिद्धांत क्या कोई लोक कल्याणकारी है बहुजनों के हित में है। तो आज मेरा तो अनुरोध है बहुजन समाज से कि वो लोग तथागत गौतम बुद्धा के इस सिद्धांत को माने बच्चियों के व्यवहार को अपने व्यवहार में ढालें और आज जो लोग बहुजन समाज के अहित करना चाहते हैं अमंगल करना चाहते हैं उन लोगों का सब लोग मिलकर के बुजुर्गों के दिए हुए अनुभव के आधार पर महिला बच्चों को एक साथ करके हम उनका मुकाबला करें और अपना अमंगल न होने दें। तथागत का वो सिद्धांत अजातशत्रु के भेजे हुए वर्षाकार ब्राह्मण जो उनका महामंत्री था
बज्जियों पर राज कायम करने के लिए जानकारी लेने के लिए आया, लेकिन तथागत ने उनको सीधी बात न करके पूरा का पूरा सिद्धांत उनके जो परम शिष्य थे अपने परम शिष्य आनंद को समझाया कि बुजुर्गों का जो सम्मान करेगा, अपने समाज की महिला बच्चों का सम्मान करेगा और अपने पूजा स्थलों का सम्मान करेगा, अपने संत महापुरुषों को सम्मान करेगा, उनकी विचारधारा को याद करेगा, तो उस आदमी पे कभी कोई भी अपना अधिकार जमा नहीं सकता। उस राज्य को जो राज्य इस प्रचलन में होगा, इस व्यवहार में होगा, इस थ्योरी पर चलेगा, उस राज्य पर भी कोई अपना कब्जा कर नहीं सकेगा, राज्य को जीत नहीं सकेगा। तो आज बिल्कुल ये तथागत का दिया हुआ सिद्धांत मुझे आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को लागू करने के लिए बहुजनों को तथागत के सिद्धांत को जान लेना चाहिए और आपस में प्रेम भाव रख करके भाईचारा पैदा करके बच्चों को सम्मान देते हुए, बुजुर्गों को सम्मान देते हुए, बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाते हुए आज बहुजनों पर अगर कोई सत्ता कायम करना चाहता है, उनको गुलाम बनाना चाहता है, तो उस गुलामी से बचाया जा सकता है। तो तथागत के सिद्धांत तो सारे के सारे वंदनीय पूजनीय रोजाना 365 दिन की जिंदगी के लिए आवश्यक ही हैं। जब राजनीतिक क्षेत्र में भी जाते हैं तो आज बहुजनों के लिए तथागत का दिया हुआ ये सिद्धांत, बज्जी लोगों की ये चर्चा, लिच्छवी प्रांत का ये उदाहरण, मगध प्रदेश के अजात शत्रु का ये उदाहरण, तभी तो अजात शत्रु को तुलना कर दी वाजपेयी साहब से। तो आज मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जब आप लोक कल्याण चाहते हो, बहुजनों का कल्याण चाहते हो, तो छोड़िएगा इधर उधर की बातें, तथागत के दिए हुए सिद्धांत का चरित्र बना करके अपने समाज की बहन बेटियों की इज्जत करते हुए, छोटे छोटे प्यारे बच्चों को पूरा प्रेम भरा व्यवहार देते हुए, और जो उम्र में बड़े हैं उनके तजुर्बे का लाभ लेते हुए आइएगा, बढ़ते हैं शासन प्रशासन की ओर। और ये सिद्धांत तथागत का दिया हुआ आज भी नितांत आवश्यक है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।